है शिव जी की तीसरी आप बर्बादी की रिश्ते वो हम अब इस बर्बादी को बर्बाद करते हैं नहीं उन्हें पहले उन्हें वार करने दो वो हमको लगता उधर है उधर ही बच्चा बच्चा एक गोली ऊपर से आई है जरूर वहां पे पत्थर छुपा है मशीन गन उधर घुमाओ ऊपर ऊपर मां समाना नहीं रहा नक्सलवादी खत्म हो गए सब नहीं हम सब जिंदा है कोई नहीं मर हम भी सब जिंदा है मैं जिंदा हूं कॉमरेड दादा जिंदा है मरेंगे या मारेंगे मां कसम अरे पत्थर मारते हो अरे रात क्या बोलते पत्थर मारते हो अरे शर्म नहीं आती शिल्प आदमी को तुम पत्थर मार रहे हो अरे देखो मैं शर्म बचा दूंगा क्यों मैं अपनी माँ को बेचता है हवालदार साहब मैं हूँ रंगीला आप तो जानते ही हैं मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ वो देखो वो पगला हमें पत्थर मार रहा है हमें धंधा नहीं करने देता है धंधा नहीं करने देता अभी देखता हूँ किरे की कोंडवाल कोचीज की नाम तो अमर काल क्या पता कब्रस्तान कहाँ रहता है कब्र में कब्र में भूत है क्या हमसे मजाक करते हैं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं ये सच्ची बात है और सच्ची बात को आप लोग मजाक समझते हैं वैसे मैं इस कब्र में रहता हूं कोई कानून तो नहीं तोड़ता हवलदार साहब हमें क्या कहनो कि ये कब्रिस्तान है अगर पादरी साहब को कोई इतराज नहीं तो हमें क्या लेकिन तू शरीफ आदमी पर पाथर क्यों मारता था है? अरे ये भड़वा शरीफ आदमी कब से हो गया ये अपनी माँ को बेच रहा था मैंने पत्थर मार के रोक दिया अरे वो अपनी माँ को बेच रहा था तेरी माँ को तो नहीं माँ कसम ए! अगर मेरी माँ का नाम लिया तो तेरे टुकड़े करके फेंक दूंगा धन्यवाद वालदा जी हमारा ड्यूटी रात भर इधर है अगर फिर किसी किस्म का गोलमाल हुआ हमको खबर कीजिए धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू वालदा जी परमात्मा आपको बेहतर बनाए अमर काल हाजिर तुम्हारा नाम क्या है अमर काल
ये कैसा नाम है? हुजूर, मरने से पहले मेरी माँ ने यही नाम रखा था। कब मरी थी तुम्हारी माँ? जिस बार महाकाल पड़ा था। और तुम्हारा बाप? हुजूर, मेरा बाप महाकाल में कलकत्ता आते हुए रास्ते में मर गया था। तुम्हारे माँ बाप किधर से आए थे, किस गांव से आए थे? उत्तर बंगाल, दार्जिलिंग जिला से। अब तुम कहां रहते हो? क्रिश्चियन लोगों के कब्रस्थान में, एक कब्र के अंदर। क्या तुम सचमुच कब्र में रहते हो? क्यों? बात सीधी है सरकार, वैसे मैं फुटपाथ में रह सकता हूं लेकिन रह नहीं सकता, क्योंकि मस्तान लोगों के पैसा मांगते हो, मेरे पास है नहीं। वैसे सरकार, 20 साल से शांति से कब्र में सोता हूं, आदत पड़ गई, और आज हवाला सब पकड़ के ले आए। लाया, जेल में मुफ्त की रोटी खाऊंगा। कल रात तुमने हवालदार सुखदेव पर हमला किया था? हुजूर, इसने मेरी माँ को गाली दी थी। क्या गाली दी थी उसने? एक आदमी अपनी माँ को बेच रहा था तो मैं उसे पत्थर मार के भगा रहा था। हवालदार साहब ने कहा वो अपनी माँ को बेच रहा है, तेरी माँ को तो नहीं। माँ कसम, मेरी माँ का नाम सुनते मुझे गुस्सा आ गया और मैं इसका गला पकड़ लिया। मुलजिम ने अपना अपराध मान लिया है, इसे इस पर रहम खाकर 50 रुपया जुर्माना किया जाता है। हुजूर, 50 रुपए क्या, मेरे पास तो 50 पैसे भी नहीं है। अगर जुर्माना न दे सको तो 15 दिन की सजा दी जाती है। ये कोई बात है हुजूर, आपने तो 15 दिन के लिए मुफ्त की रोटी का बंदोबस्त कर दिया। सर, क्या मैं अमरकाल की तरफ से जुर्माना भर सकता हूं? भर सकते हो। सिगरेट? अच्छा बाबूजी, तुमने कोर्ट में मेरे लिए पूरे 50 रुपए क्यों दिए? क्योंकि मुझे तुम्हारी कहानी चाहिए। मेरी? अरे मेरी भी कोई कहानी है बाबूजी? हाँ है, मेरे माँ बाप महाकाल में मर गए, मैं कब्र में सोता हूँ। अच्छा तुम ही बताओ, ये कोई कहानी हुई? बोलो। मैं जिस पेपर के लिए काम करता हूँ उन्हें ऐसी ही कहानी। लेकिन हाँ, छापे के लिए मेरी फोटो लोगे ना तुम? जरूर लूंगा। चलो। मगर यहाँ नहीं, वहां तुम्हारी कब्र के पास। बाबूजी, यह है मेरा घर, और पहली आवाज जो मेरे कान में पड़ी, मांगो फेंक दे मां। पहले तो ग्रैंड होटल के सामने कचरा पेटी में से जो भी मिलता था वही निकाल कर खा लेता था, कभी कभी केले के छिलके पर ही गुजारा करना पड़ता था। फिर मैं हिंदुस्तानी फौज के पंजाबी जवानों से भीख मांगा, मैंने कहा पापा जी रब दे वास्ते सानू रोटी तो खिला दो। फिर मैं अमरीकन और अंग्रेज टमियों से भीख मांगी, मैं कहता था सर पुअर बॉय सर हंग्री बॉय सर प्रे फॉर योर लॉन्ग लाइफ एंड द विक्ट्री इन द वॉर। वो कहता था फैनिगा टेक दिस, मैं कहता था थैंक यू सर। लेकिन बाबूजी, छोटे बच्चे को तो भीख मिल जाती थी, लेकिन जब मैं बड़ा हो गया तो भीख मिलनी बंद हो गई। सर तो पेट पालने के लिए मुझे चाकू का सहारा लेना पड़ा। एक बार जब जेल से निकला तो बूढ़े क्रिश्चियन ने रहम का इस कब्र में रहने की जगह दे दी। वो यहाँ का रखवाला था, बड़ा अच्छा बुड्ढा था, जो भी खाना उसे मिलता था वो कहता था सन हाफ इज योर्स एंड हाफ इज माइन। बस बाबूजी, इतनी सी है मेरी कहानी। अच्छा, अब ये बताओ कि रात उस आदमी को तुमने पत्थर क्यों मारा था? इसलिए कि वो अपनी माँ को बेच रहा था। और हवालदार पर हमला क्यों किया था? इसलिए कि वो मेरी माँ को गाली दे रहा था। मगर भाई, तुम्हारी माँ तो मर चुकी है, और मरे हुए लोगों को कोई गाली नहीं दे सकता। देखो बाबूजी, मुर्दा हो या जिंदा, माँ तो अपनी माँ होती है। अरे तुमने देखी नहीं वो पिक्चर माँ कसम? अरे उसमें तो हीरो विलन को ऐसे मारता है जब वो उसकी मरी हुई माँ को गाली देता है। वो कहता है क्यों भाई, फिर मेरी माँ का नाम लेता है तो ये ले धिशुम धिशुम धिशुम। क्या तुम फिल्म देखना पसंद करते हो? सिर्फ मार धाड़ की। हाय धिशुम धिशुम हा। तो आज एक फिल्म देखोगे मेरे साथ? मारधाड़ है उसमें?
नहीं, मगर चलो तुम्हें और किस्म का मजा आएगा। चलो तुम्हारी खातिर देख लूंगा। रात को हवालात में बड़े मच्छर थे, रात को नींद ही नहीं आई। कोई मसालेदार गाना या ढिशुम ढिशुम हो ना, फिर हमको उठा देना। क्या हुआ? ये मैं हूं, वही बच्चा चलेटा। ये मेरी माँ है, मेरी माँ है। अरे अमरपाल बच्चा, ये मेरी माँ है। चल, मैं साला इस भरवे को मार डालूंगा, मैं इसे जान से मार डालूंगा। छोड़ साला कुत्ते। उठो बाजा, उठो, चलो चलो। यीशु, यीशु, बोशु बोशु बोशु। ऐसे केस बहुत कम होते हैं, लेकिन हो सकते हैं। इसे मादा फिक्सेशन है। बचपन में इसे मां की गोद नहीं मिली, सो यह कब्र को मां की गोद समझता है। वहां सोके इसे शांति मिलती है, जैसे एक बच्चे को मां की गोद में मिलती है। लेकिन धरती के लाल देखकर इसका जो हाल हुआ, सो मैंने तुम्हें बताया, वो क्यों हुआ? वो भी इसकी बीमारी की और शक्ल है। इसका अंतर्मन खुद को मुजरिम ठहराता है। अपनी मां की गिरावट के लिए और इसकी मौत के लिए। शायद वो इसके वास्ते दूध लाने के लिए अपने आप को बेचती होगी, इसलिए फुटपाथ पर पड़े हुए छोटे बच्चे को भी ये कहता है कि ये मैं हूं। और जो बड़ा बच्चा खो गया है और अकेला घूम रहा है, या ग्रैंड होटल के सामने कचरा पेटी में से खाना कुरेद रहा है, वो सभी को ये अपना ही रूप समझता है। तो इस बेचारे का कुछ इलाज तो होना चाहिए, वरना ये तो पागल हो जाएगा और किसी का खून कर डालेगा। इलाज इसका ये है कि इसकी समझ में आ जाए कि काल की जिम्मेदार कौन सी शक्तियां थी, इसकी माँ की गिरावट और उसकी मौत क्यों हुई, और इसके लिए कौन जिम्मेदार था।
इसका ये गिल्ट कॉम्प्लेक्स निकल जाना चाहिए। इसे मालूम होना चाहिए कि ये खुद इन्हीं ताकतों का शिकार है जो इसकी माँ की मौत के लिए जिम्मेदार थी। बोलो बेटे, कौन से गांव से तुम्हारे माँ बाप आए थे? बोलो। नक्सलबाड़ी। नक्सलबाड़ी? नक्सलबाड़ी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है शायद। नक्सलबाड़ी जाना है बेटे? हाँ माँ, मैं नक्सलबाड़ी जरूर जाऊंगा माँ। कितनी हरियाली, हाँ देखिए कितनी हरियाली, चारों तरफ हरियाली है ना। सुंदर जगह है ना बाबूजी। बाबूजी कितने लाल लाल फूल, ये कौन सी फसल है? ये इनकलाब की फसल है। और ये लाल फूल नहीं, लाल झंडे हैं। लाल झंडे? हाँ, जो किसानों ने अपनी जमीन पर अपना हक जताने के लिए लगाए हैं। कॉमरेड, ये तुम्हारी जमीन है और वो तुम्हारा गांव, जहां से तुम्हारे माँ बाप को साहूकारों और जमींदारों ने निकाला था ताकि वो कलकत्ते की सड़कों पर मर जाए। उतायाचिन, लाल सलाम, अमरा तुम्हार बंधु। लाल सलाम, ये मेरा दोस्त है और नक्सलबाड़ी का ही रहने वाला है, इसका नाम है अमर काल। कहो, इनकलाब कहां तक पहुंचा? आसपास के सब गांव आजाद हो गए हैं, जोधदार को पकड़ लिया गया है, आज जनता की अदालत में उसका फैसला होगा। आज से 15 बरस पहले का बात है, एक दिन हमने इसके खेत के भीतर के अंदर टट्टी कर दिया था, काहे को कि हमारे गांव में कोई पखाना नहीं था। एक दिन इसने हमको देखा और अपने आदमी से बोला कि यही टट्टी इसके मुंह के अंदर डाल दो, और वो लोगों डाल दिया। हम चाहता है कि यही सजा इसको दिया जाए। तब तो तुम में और इस कुत्ते में कोई फर्क नहीं, फिर भी हमने तुम्हारी शिकायत लिख ली। देखो यही है तुम्हारा जमींदार। कॉमरेड, इस सुअर के बच्चे ने मेरी बेटी गंगा के साथ बलात्कार किया, उसने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। दादा, इसकी आंखों के सामने भी इसकी बेटी के साथ वही किया जाए जो इसने मेरी बेटी के साथ किया है। अच्छा, तो कौन कौन से नौजवान तैयार है बदला लेने के लिए? अच्छे इनकलाबी हो, ऐसा काम करने को सब तैयार हैं। जब गोली चलाने का वक्त आएगा सब दुम दबा के भाग जाएंगे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कॉमरेड, एक बार जब मैं इसको नजराना नहीं दे सका तो इसने अपने पलंग के नीचे मेरा हाथ दबा दिया और ये उस पर तब तक बैठा रहा। कॉमरेड, इसी जोधदार ने मेरे माँ बाप को बेघर करके गांव से निकाल दिया था। मेरे बीमार बाप ने कलकत्ता की सड़क पर सिसक सकर जान दे दी और मेरी माँ को अपनी इज्जत बेचनी पड़ी। 30 साल मैंने कब्र में सोकर गुजारे हैं, अब मैं वापस आ गया हूं और ये मेरी मांग है कि इस जोधदार को इसके जुल्मों की सजा मिले।
इसे भी कब्र में सुलाया जाए। अच्छा कामरेड, जो उद्धार और उसके पापों के जुल्म अदालत के सामने है, उसे सजा देने से पहले हम उसे भी कुछ कहने का मौका देना चाहते हैं। ललित कुमार चौधरी, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? ये कोई बाकायदा कोर्ट नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कहना चाहता। अभी सब मालूम हो जाएगा। दादा, दादा, पुलिस आ गया। पुलिस कोई भगदड़ नहीं होगी। अपराधी को उसके मकान में कैद रखो। अभी पुलिस आएगी, सब पता चल जाएगा। तुम्हारा क्या इरादा है? अब मैं यहीं लड़ूंगा और यहीं मरूंगा। कॉमरेड बोस, तुम फौरन यहां से चले जाओ, ताकि यहां जो कुछ हुआ है इसकी रिपोर्ट कलकत्ते के अखबारों में छप जाए। कॉमरेड दादा, क्या एक रिपोर्टर इंकलाब की लड़ाई में हिस्सा नहीं ले सकता? ले सकता है, लेकिन यह फैसला कमांडर को करना होगा कि कौन किस फ्रंट पर जाएगा। इस वक्त तुम्हारी जरूरत कलकत्ते फ्रंट पर है। कॉमरेड दादा, आपकी जरूरत भी कलकत्ता फ्रंट पर। कमांडर मैं हूं या तुम? आपने तो हमें सिखाया है कि जब इंकलाब शुरू हो जाता है तब सारी जनता कमांडर बन जाती है। कॉमरेड दादा, ये कहकर हम आपका अपमान नहीं कर रहे। आज जो कुछ भी हम हैं, हमें आप ही ने बनाया। कॉमरेड दादा, ये लोग ठीक कह रहे हैं। अगर आप नहीं रहेंगे तो क्रांति की मशाल देश भर में कौन जलाएगा? मगर लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि जितना इनकलाब के लिए मरना जरूरी है, उससे कई ज्यादा इनकलाब के लिए जीना जरूरी है। तो फिर मेरा आखिरी फैसला सुन लो, मर जाओ या मार्च। पहले मशाल में जाओ, चलो। चक्रवर्ती। यस सर। प्रदीप सिन्हा। यस सर। इतना क्या लिखे थे? ये सब किसने लिखा है? हिम्मत है तो खड़ा हो जाए। ये सब मैंने लिखा है। तुम सबने लिखा है? तुमरा सवाल लिखे छो? यस सर। आर यू हियर टू डू नेक्स्ट लाइट प्रोपोगेंडा? यस सर। Get out from the class. Get out from my class. हम प्रिंसिपल साहब को रिपोर्ट करेगा। I will have you all rusticated. Get out. I say get out from the class. सुरेन, सुरेन। ये तो रखी कुछ चीज। ये सब तो मैंने बनाया था। कमरेड सुरेन, तुम ही बानिए छो, अमी जानी, लेकिन ये हम सबके दिल की आवाज है। कमला ठीक ही कहती है, अब तो साथ ही जिएंगे, साथ ही मरेंगे। पढ़ाई लिखाई बहुत हो चुका है, ए बुर्जा शिक्षा आपको दरकार नहीं। यस, लेट्स गो टू कमरेड दादा। चलो। अनंत कुमार गांगुली। यस सर। तुम उन बागी लड़कियों में से नहीं हो। यू स्टूड फर्स्ट इन द लास्ट एग्जाम, और मुझे उम्मीद है यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी तुम फर्स्ट आओ। थैंक यू सर। नाउ टर्न टू द पेज 57 एंड रीड हैमलेट सोलोलोकी। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। बात है, ठहर एक मिनट। अजीता, अजीता की बोल चीज दादा? आनंद के लिए चाला। सिर्फ चाय और कुछ ना? ओह बहुत बोल दिया तू। क्षमा करना दादा। क्यों क्षमा करने का क्या बात है? वो
मैं तुम लोगों के साथ क्लास से बाहर नहीं निकला ना, शायद शायद मैं कहाँ आया हूँ। नहीं यार, मुझे चाय आ गई। ये क्या है? मुझी तरकारी। थैंक यू। सुन, तू चाय पी, मैं अंदर से कपड़ा बदल कर आता हूँ। हाँ, इस सबकी क्या जरूरत थी? कॉलेज से आए हो, भूख नहीं लगी? कोई खाली खाली चाय देता है? भूख तो तुमको देखकर ही गायब हो जाती है। तुम आके देखे ना, हमेशा पीछे भूली जाए। शक्ति शक्ति क्यों चले? देखो ना, ज्यादा कुछ खाता नहीं। अरे खा ले खा ले। मैं चला। कहाँ? मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। इधर जा रहा हूँ, मैं भी साथ चलता हूँ। ये तुझे बता नहीं सकता और साथ में ले जा भी नहीं सकता। माँ माँ की हो चे कुकुन? प्रणाम मशीमा। बेचे देखो माँ, तुम तो इसे जानती हो ना, मेरा दोस्त आनंद। हाँ। मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो आनंद तुम लोगों का ख्याल रखेगा। ईश की बोल छीस, भगवान तोर मंगल को रुख। तुझे क्यों कुछ होने लगा रे? तू तो ऐसी बात कर रहा है जैसे जैसे तू ऐसा क्यों बोला रे? हाँ माँ, ये भी एक लड़ाई है, लेकिन पिताजी की लड़ाई से बिल्कुल अलग है। कोकुन उमा, तुझे मालूम है कहाँ गया वो? कोथाई जाचे? ना माँ। अनन, तुम्हें मालूम है वो कहाँ गया? नहीं, ठीक से तो मालूम नहीं, लेकिन कुछ कुछ अंदाजा है। मेरा भी जी चाहता है कि काश मैं उसके साथ जा सकता। मेरा भी रास्ता वही है। आपकी पार्टी झमकाने चाहते हैं। ये क्या कोई टी पार्टी है बच्चों, जो बिन बुलाए चले आए? हम जानते हैं दादा, ये टी पार्टी नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी है। अरे भाई, पॉलिटिकल पार्टी में जाना है तो कांग्रेस में जाओ। दो सोशलिस्ट पार्टी है, उनमें से किसी एक में जाओ। दो कम्युनिस्ट पार्टी है, उनमें से किसी में मिल जाओ। और भी दो पार्टी है, जनसंघ है, स्वतंत्र है। मगर हम तो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी को ही ज्वाइन करना चाहते हैं। एक बात बताओ, हमारे पार्टी में क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? क्योंकि हम लोग जल्दी इनकलाब लाने चाहते हैं, और ये आपकी पार्टी ही कर सकती है। तुम्हें किसने भेजा है? पुलिस ने? क्या हमें अपनी सच्चाई का इम्तिहान देना पड़ेगा? हाँ, इस जगह का पता किसी को नहीं मालूम। पुलिस तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दे सकती है। बोलो, तुम्हें किसने बताया यहाँ का पता? बासुदा ने। अच्छा, मगर तुम्हारे परिवार वाले क्या कहेंगे? तुम्हारे पिता क्या करते हैं? हैं? मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है और मेरी माँ स्कूल टीचर है। तुम्हारे पिता क्या करते हैं? मेरे वालिद की होजियरी की दुकान है। और तुम्हारे पिता? जी, मेरे पिता कांग्रेस लीडर हैं, श्री मुकुल सेन। अच्छा, मुकुल बाबू की बेटी हो, ताई तो बोली, इसीलिए इतना दामी खद्दर का साड़ी पहन कर आई हो। मगर रंगीन रेशमी ब्लाउज पहनने से इनकलाब नहीं आ जाता, बुझे चो? जी, मैं अपने आप को बदल डालूंगी। इनकलाब के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और तुम्हारे पिता? मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। और तुम्हारे? मेरे पिताजी पटना में वकालत करते हैं। इसमें तुम्हारी मौत भी हो सकती है। कहो, ये मौत का सौदा मंजूर है? मंजूर है। ठीक है जी दादा। कोई हथियार वगैरह है तुम्हारे पास? दादा, हमारे हथियार तो बस ये किताबें हैं। इसमें पिस्तौल है। सुनो, तुम्हारे कापड़ नहीं है ना? ना। नो। थैंक यू। अब और सितार बार करे दा, आने से पहले अभ्यास करना चाहता हूँ। थैंक यू।
खिदे पेच खिदे दाव ना हाथ धुए कापड़ छेड़े ऐशो खाबर दीच अच्छा माँ गड़बड़ कर रही हैं जहाँ देखो दीवारों पर इनके स्लोगन्स लिखे नजर आते हैं चारों तरफ यूनिवर्सिटी के बाहर पोस्टर्स लगे हुए हैं बस मैंने आज दिन रात पेट्रोलिंग के ऑर्डर्स कर दिए हैं तो चुप क्यों हो कुछ बोलते क्यों नहीं आनंद मैं क्या बोल सकता हूँ बाबा अरे भाई तुम्हारे कॉलेज में भी इतने एक्सलाइट होंगे शायद होंगे क्या उन्होंने तुम पर अपना जाल नहीं फेंका तुम्हें अपने खूनी कामों में फंसाने की कोशिश नहीं की जी नहीं की तो उन्हें कोई इशारा मत करना कि पुलिस उनका पीछा कर रही है मैं उन्हें सरप्राइज से पकड़ना चाहता हूँ ठीक है बाबा एक्सक्यूज मी मुझे एक जरूरी टेलीफोन करना है क्या हुआ क्यों रो रही हो तुम देखिए ना उन नक्सलों मेरे हाथों की चूड़ियां छीन कर ले गए और गले का हार भी और कहते थे अगर तुमने पुलिस में शिकायत की तो तुम्हारे घर पर बम फेंके घबराओ मत किधर गए वो लोग उधर चलो एरा गाना इन लोग तो बगैर इजाजत यहाँ क्यों रहे हो दादा ये तीनों मास्टर हैं जो हमारे पार्टी का नाम को बदनाम कर रहे हैं क्या करता है लोग दादा आज ही सुबह ये लोग कॉलेज के एक लड़की का हार छीनकर भागे हाँ दादा ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और फिर उनसे रुपया ऐंठते हैं उनके बच्चों को उठा कर ले जाते हैं हाँ दादा और हमारे पैम्पलेट्स पर लोगों को धमकियां लिख कर भेजते हैं ताकि उन्हें यकीन आ जाए ये सब काम नक्सलाइज ने किया है हाँ दादा आजकल तो नक्सलवादियों को भी गुंडे समझने लगे हैं लोग ये सच है देखो बड़ो ये सच भी है ये चेक वगैरह लाइन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है की बोल रहे चे चे गु इस रेलवे लाइन का तो आज तक नाम ही नहीं सुना हमने मैं तुम्हारी मुश्किल समझता हूँ ये लाइन जंगलों और पहाड़ों से निकलकर मौत की तरफ जाती है अब इनको पट्टी बांधो बुरा मत मानना कॉमरेड ये सब ड्रामा तो इनकलाबी काम में होता ही रहता है गुड़ू कभी नहीं इनके ठिकाने पर पहुंचा दो अरे साले मेरा हाथ तो छोड़ हम क्या तुम्हारे कह दिए अरे नहीं नहीं ये तो सिर्फ दादा को दिखाने के लिए अच्छा ये बात थी इसका मतलब तुम लोग हमारा साथ देने को तैयार हो यहाँ बातचीत नहीं होगी आगे आगे चल चल अरे अरे कहाँ ले जा रहे हो भाई अरे बातचीत कहाँ होगी कब होगी कुछ तो बताओ क्या मजाक बना के रखा तुम लोगों ने घबराओ नहीं ये लो भाई अपना चाहो ये हुई ना बात अब अगर तुझे क्रिच कर दूं तो नहीं यार मेरा पास क्या मिलेगा इधर तो सबका जेब खाली है लेकिन मेरी जेब भरी हुई है इसमें ये है रिवॉल्वर और ये खाली नहीं है अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था तुमसे इतना रुपया देखा है तुमने कभी अपनी जिंदगी में है? नहीं यार हम तो सिर्फ इनकलाब का लिए खून बहाते हैं चार तो रिवॉल्वर है और ना जाने कितने बम दो चार तो यहां भी है देखो अरे वाह गुरु गुरु तुम ऐसा करो एक रिवॉल्वर और एक दर्जन बम पेटो पेटो लिया मजा आ जाएगा मजा आ फिर तो साला हम लोग बहुत बड़ा एक्शन कर सकता है बैंक में भी तुम ऐसा करो बंदूक जरा फटाफट लेके आओ ना फटाफट अगर आने में ज्यादा देर हो जाए तो घबराना नहीं क्योंकि बुड्ढा सोने का बाद लाऊंगा हाँ ठीक है ठीक है अरे साला जल्दी रिवॉल्वर ले जाना भाई हाँ हाँ सब कुछ लाऊंगा कैसा रहा मेरा प्लान पार्टनर फर्स्ट क्लास बंधु हम लोग साला इन लोगों के हथियार से इन्हीं को मारेगा क्यों अरे साला उसी के बम पिटो पिटो से उसी को मारेगा हाँ। अरे बहुत बड़े नक्सलाइट बने फिरते थे अब सिखाएंगे इनको सबक बंधु अपन लोग बैंक लुटेगा बैंक मजाक हेलो लालबाजी पुलिस स्टेशन दादा की खबर मैंने लालबाजी फोन किया था वो तो हमें मालूम है फिर क्या हुआ मैंने अपनी आंख से देखकर आया हूँ क्या देखा तुमने देखे कि पुलिस उनको रंगे हाथों पकड़ लिया
उन लोगों के साथ कोई नक्सलिस्ट पोस्टर्स पैम्पलेट और कितने बम मिले जो तुम लोगों ने बाहर रखे थे क्यों है ना हाँ दादा पुलिस वाले ना उनको मारते मारते ले गया बहुत मार पुलिस वाले ना बहुत खुश थे क्योंकि नक्सलिस्ट को पकड़ लिया था ना उन लोग शाबाश कॉमरेड दादा मस्तान लोगों को पकड़ा कर हमने अच्छा नहीं किया आखिर पुलिस भी तो हमारे दुश्मन है दोनों हमारे दुश्मन है दो पागल कुत्तों को तुमने लड़ा दिया बहुत अच्छा किया चेयरमैन चीन के चेयरमैन हमारे चेयरमैन क्यों इंदर क्या माओ त्से-तुंग जैसे महान नेता हमारे देश में नहीं जन्म ले सकते जरूर ले सकते हैं मगर पार्टी का जो ऑर्डर है वो हमें मानना ही पड़ेगा अमाड़ बाड़ी कुमार बाड़ी नक्सल बाड़ी जिंदाबाद आपको एक सिगरेट पिलाओ बहुत अच्छा तुम्हारा पार्टी हेडक्वार्टर कहां पे है मैं कुछ नहीं बताऊंगा चाहे तुम मुझे मार डालो तो वो मैं किसी बोलबो ना कुछ नहीं कहूंगा तो वो मैं मारते भी नहीं बोने दीप्पी हमें किच्छू बोलबो ना किच्छू बोलबो ना मैं कुछ नहीं बताऊंगा मैं कुछ नहीं बताऊंगा मैं कुछ नहीं बताऊंगा हमको बहुत तरीके आते हैं पता मालूम करने के
বাগো মা পারছি না মা মা বাগো মা मैं सब कुछ बताऊंगा माँ भागो मैं जानता था ये कॉलेज के लौंडे बड़े ही बौदे होते हैं। अच्छा कॉमरेड दादा, इससे पहले कि पुलिस यहां आ जाए मैं चलता हूं। हाँ तुम जाओ, अगर हमारे साथ तुम भी पकड़े गए तो न दुनिया की खबरें हमको होगी और न ही हमारी खबर दुनिया को। जाओ। अच्छा लाल सलाम। लाल सलाम। लाल सलाम। अमरकाल बहुत बुरी खबर है, वो चक्रवर्ती गोली खाकर पकड़ा गया, बहुत खर्चा निकला, टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर सका, उसने पुलिस को हमारा पता बता दिया। अब हमें जल्दी ये जगह छोड़नी पड़ेगी। मगर दादा दूसरी जगह का इंतजाम तो पहले से कर रखा है। अरे बेवकूफ, जब इस जगह का पता बता दिया है तो उस जगह का भी पता बता दिया होगा, कोई नई जगह ढूंढो। हम इंतजाम कर सकते हैं कॉमरेड दादा। लेकिन दादा कम से कम दो दिन तो लगेंगे। दो दिन नहीं, आज अभी अभी हमें ये जगह छोड़नी चाहिए। ये सारे पोस्टर उतार दो, पुलिस को शक न हो कि नक्सलाइट यहां रहते थे। अब हमें नई जगह चाहिए जिसका पुलिस को पता नहीं चलना चाहिए। हो सकता कमरेड दादा मैं आपको अपनी कब्र में छुपा सकता हूं। तो भावनात्मक कला है, हम तो समझे कि क्रांतिवादी बोला है। चल 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 किसी पे नाम ना, किंतु छोवी तो चिलो दारी में लला निये निला है पत्ता क्या फोटो था दारुण लगी जाती। तो कोई भी नहीं है और कुछ भी नहीं है सर, लेफ्टिनेंट लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए हमें धोखा दे दिया। हो सकता है इंसुलिन, इंसुलिन का एक खाली इंजेक्शन बताता है कि उनका लीडर यहां था। वो डायबिटीज का मरीज है और हर रोज उसे ये इंजेक्शन लेने पड़ते। मागो मागो मा
डॉक्टर, डॉक्टर साहब, मेरा दोस्त बच जाएगा ना डॉक्टर? मुश्किल है आनंद, गोली के जहर सारे जिस्म में फैल चुका है। ऑल वी कैन डू इज होप। आई एम सॉरी डॉक्टर। आनंद, क्या कहा डॉक्टर ने, दादा बच जाएंगे? अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सका माँ, मैं उन्हें सब कुछ बता दिया माँ, मैंने गद्दारी की माँ, पार्टी के साथ, साथियों के साथ, तुम्हारी साथ माँ, अजीता के साथ गद्दारी की माँ, मैंने गद्दारी की। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, डॉक्टर ने तुझे बोलने से मना किया है। उन्हें नहीं चाहता माँ, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। वो आप लोगों को कुछ नहीं बता सकेगा। क्यों नहीं बता सकेगा? इसलिए कि वो मर रहा है। अगर यकीन ना हो तो मेरे जाके देख लीजिए। तुमने हमें गलत जगह बताकर धोखा देने की कोशिश की है। सच सच बताओ, तुम्हारी पार्टी का दूसरा ठिकाना कहां पर है? वरना हमारा एकमात्र चेले जालिमो, उसे मारने से पहले मुझे मार डालो। मुझे चलो, वो खुद ही मर गया। अच्छा हुआ बेचारे को हमें नहीं मानना पड़ा। ओ माँ, माँ, इन कुत्तों के सामने क्यों रो रही हो? आनंद, आनंद, मेरी आंखों में देखो, इनमें आंसू नहीं है, खून है। जानती हो इनकलाब के लिए क्या करना होगा? इनकलाब के लिए जीना होगा, इनकलाब के लिए मरना होगा। अगर तुम्हें टॉर्चर किया गया तो अपने भाई की तरह सब कुछ उगल तो नहीं दोगी? नहीं, वो कुछ भी करे मैं कुछ नहीं कहूंगी। जानती हो वो लोग औरतों के साथ क्या कर सकते हैं? जानती हूं, मगर मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगी। क्रांति के लिए क्या कुर्बानी कर सकती हो? अपनी जान, अपनी इज्जत। किसी से तुम प्रेम तो नहीं करती हो? नहीं, और अगर कोई होता भी तो मैं उसका प्रेम भी कुर्बान कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, दो चार दिन तुम यहाँ ठहरो, फिर हम तुम्हें पार्टी का काम करने किसी गांव में भेज देंगे। जाओ। कौन हो तुम? आनंद कुमार गांगुली। नाम तो फिल्म स्टारों की तरह लगता है, यहाँ कोई कुमार राजकुमारों की जरूरत नहीं है। तो फिर आप मुझे सिर्फ आनंद ही कह सकते हैं। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? जी, मेरे पिताजी वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। अरे ठीक, बोलो कौन सा काम करते हैं? जी वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं। तो इनकलाब के लिए अपने बाप का भी कत्ल कर सकता हूँ। हम इन बातों को पसंद नहीं करते, करने के लिए और क्या कर सकते हो? मैं ये कर सकता हूँ। अरे ये सब नाटकबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें सबूत देना होगा, देखे तुम कर सकते हो या नहीं। मैं इसके लिए तैयार हूँ, बताइए क्या करना होगा। हम तुम्हें अपने पार्टी में ले सकते हैं, अगर तुम आज रात को अपने पिता के रिवॉल्वर से गोलियां निकाल करके ले आओ। ओ
चांद, आओ बैठो। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें भी संगीत में दिलचस्पी है बेटा। कभी कभी दो चार मिनट सुन लिया करो, बड़ा आनंद मिलेगा। सच में आज तो कमाल कर दिया बाबा, बड़ा मजा आया। ऐसा लगता था जैसे आपने गुरुदेव की आत्मा को पकड़ लिया। मैं जानता था वो नहीं आएगा, डरपोक नहीं का। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर का बेटा जो है। राम दादा, राम कहो कहाँ रहे? वो लोग तो पोस्टरिंग करने गए हैं। गोलियां लाए हो? जी हाँ लाया हूँ, ये लीजिए। शाबाश, तुम्हें बहुत रात हो गई है, अब तुम घर जाके सो जाओ। मगर सोने से पहले मैं पोस्टिंग करना चाहता हूँ। कहाँ गए हैं सब लोग? न्यू अलीपुर जी ब्लॉक। आनंद, यशो हमार प्राणेश्वर, यशो हमार काशे, यशो हमी तुम्हाके भालो वाशो, यशो काशे, यशो अभी नहीं आती क्या? कोई बात नहीं, हम तुमको हिंदी में बोलेगा। भाई तुमको बहुत प्यार करता है, हम तुम पे जान देता है। भाई 100 रुपया, 200 रुपया देगा। आप तुमने किसी नक्सलवादी को तो नहीं देखा? हाँ नक्सलवादी, कौन नक्सलवादी? वही जो गोलियां चलाते हैं, जो बम फेंकते हैं, जो ये सब कुछ लिखते हैं। हाँ देखा है। कहाँ कहाँ कहाँ? हाँ ये लड़की नक्सलवादी है, ये लड़की अपनी आंखों से हम पर गोली चलाती है। इस लड़की ने हमको अपनी खूबसूरती के बम से मार डाला है, मगर हम भी एक सजा दी है। हम इस लड़की को भगा के ले जाएगा। इधर इस लड़की को समझाओ कि हम इसको बहुत रुपया देगा। 100 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया। बोलो इधर ले चले। अरे छोकरी तू क्यों नहीं जाती? साहब नशे में है मगर साहब दिल वाला है। शाबाश शाबाश, अब हम जाता साहब। ठीक है जाओ जाओ। आज की रात हमको एक नक्सलवादी मिल गई है, आज की रात के लिए यही काफी है। करना जीता, जान बचाने का सिर्फ एक यही तरीका था, और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं आनंद, ये तो सिर्फ पुलिस के लिए दिखलावा था ना, नहीं तो तुम कहां और मैं? नहीं अजीता, वो तो सब दिखावा था, मगर मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूं। ये कैसी बातें कर रहे हो आनंद? हमारे पार्टी के काम में प्यार के लिए कोई जगह नहीं। हम सबकी शादी हो चुकी है। किससे? मौत से। वापस नक्सलवाड़ी भेज दिया है। शंकर तुम भी वहां चले जाओ। जी दादा। प्रदीप तुम अपने बिहार चले जाओ। जैसी आपकी आज्ञा दादा। अंदर लग, तुम्हें आंध्रा जाना है। चौकुम दादा। के लाल सलाम दादा। आए दादा, की खबर? कल पुलिस ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया? आमरा उदेर चौके दोनों दिए पाली यशी। दादा हम तो बच गए, मगर वो आनंद है ना पुलिस ऑफिसर का लड़का, वो नहीं पकड़ा गया जबकि वो भी पोस्टरिंग कर रहा था। दादा वो भी तो पकड़ा ही जाता, लेकिन उसने शराबी बनने का नाटक किया। उसने मेरे साथ ऐसे बर्ताव किया जैसे कोई आवारा आदमी लड़की को फंसा रहा हो, इसलिए दादा मैं भी तो बच गई, नहीं तो मैं भी पकड़ी जाती। इसका मतलब है तुम पर भी शक किया जा सकता है। अगर मुझ पर शक हो तो उसको दूर करने के लिए आप जो कुछ कहेंगे मैं करूंगी। करोगी?
हाँ दादा। कलम से क्यों खेल रहे हो? तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। ले लो। थैंक यू दादा। अब मुझे मालूम हो गया कि कलम किसमें से कुछ नहीं होता। मैं स्कूल में सब लड़कियों को दिखाऊंगी कि मेरे दादा ने कितना अच्छा प्रेजेंट दिया है। शीला, देखती नहीं बाबा अखबार पढ़ रहे? क्या कोई बुरी खबर है बाबा? नक्सलवादी पेपरों में बुरी खबरें तो होंगी, इन लोगों ने नाक में दम कर दिया है। आराम से। क्या हुआ, तुम्हें भी हमदर्दी पैदा हो गई है इन लोगों से? अगर वो हराम तो मैं आपको बता दूं। कौन है वो? वो हरामजादा मैं हूँ। आलन, क्या पागल हो गया तू? जानता तू क्या गाली दे रहा है अपने आप को, अपने बाप को, अपनी माँ को? वहाँ मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जो वो हैं, वही मसादश मार्ग में उनका विश्वास है, उसी में मेरा विश्वास है। जो वो करते हैं वही मैं करता हूँ। मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए। तुम कैसे जा सकते हो? हमने तो तुम्हारी शादी पक्की कर दी है एक बहुत अच्छी लड़की से। अपनी बहुत अच्छी लड़की को अपने पास रखो माँ, मेरी शादी हो चुकी है। बगैर हमारी आज्ञा के? ये कैसे हो सकता है? बोलो किससे शादी की है? मौत से माँ, मौत से। कॉफ बंद करो सुमित्रा, ये रोना शेर सिंह, पीछा करो। अब के मैंने पूरा इंतजाम किया हुआ है, एक सब इंस्पेक्टर और तीन हवलदार पीछे लगा दिए हैं। जहां भी आनंद जाएगा वो लोग उसका पीछा करेंगे। आज शाम तक हमें नक्सलवादियों के अड्डे का पता मिल जाएगा और तुम्हारा बेटा भी वापस आ जाएगा। आजकल कॉलेज जाओ ना कहनो। हेलो रेखा, आजकल कॉलेज में मन नहीं लगता। क्यों? रुको, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? सोच रही थी कहनो, कहीं तुम नक्सलवादी तो नहीं बन गए हो? नहीं, मैं इस काबिल कहाँ? सोचती थी इतने दिनों के बाद मिले, कहीं बैठेंगे, घूमेंगे और फिर पिक्चर देखेंगे। नहीं, आज मैं बहुत बिजी हूँ, और किसी दिन। सोच लो, पिक्चर बहुत बढ़िया है। कौन सी पिक्चर? टुमारो नेवर कम्स। शंकर, तुम बाहर जाकर किसी गली में छुप जाओ और देखते रहो, आनंद यहाँ आता है और उसके पीछे पीछे बावर्दी या बेवर्दी पुलिस वाले हों तो फौरन हमें सीटी बजा करके होशियार कर देना। खतरे की सीटी बजाना जानते हो ना तुम? जी हाँ दादा, जानता हूँ। जाओ, जल्दी जाओ।
अचीता क्यों? क्या ऊपर चला रहा है? पाँव नीचे का क्या चाहिए जी? एक प्याली चाय चाहिए और एक आने के बिस्कुट। पैसे मिलेगा वहीं रह। ये तीन का डब्बा तेल ले रखा है, ला पकड़ हाथ में, ये ले पी ले। आप बोल क्या चाहिए? अभी क्या कर रहा है? हरी जनों का दिमाग खराब हो गया, चाय दो ऊपर से फेंके चले जाते।
ये एक्सरे रघु की है? जी हाँ। इसे तो टीबी का दूसरा स्टेज है, ये आदमी रिक्शा कैसे खींच सकता है? इसे तो हॉस्पिटल में होना चाहिए। सर हॉस्पिटल में तो आ ही गया है अगरचे एक्सीडेंट के बाद, मगर इसका खून तो काफी बहा है। ये तो नई मुसीबत खड़ी कर दी है तुमने। प्लाज्मा खत्म हो गया है और ब्लड बैंक से अगले हफ्ते तक नहीं आएगा। अब इस गरीब को खून कौन देगा? खून मैं दूंगा। खुशकिस्मती से हम दोनों का ब्लड ग्रुप ओ है। अरे भाई आज रघु दिखाई नहीं दिया? अरे वो तो कहीं ताड़ी पी के पड़ा होगा साला। देखो रघु, इस बार तो हमने तुम्हें 7 दिन अस्पताल में रखकर बचा लिया है। मेरी बात मानो तो रिक्शा चलाना छोड़ दो। तुम्हारी हालत ऐसी नहीं कि तुम इसे बर्दाश्त कर सको। कोई हल्का सा काम क्यों नहीं कर लेते? हल्का सा काम आप बता दीजिए बाबूजी, मैं कर लूंगा। यही तो मुश्किल है, इस मुल्क में काम कहां है? मैं तो सिर्फ 2 काम जानता हूं बाबूजी, एक हल चलाना, दूसरा रिक्शा चलाना। सरकार ने जमीन तो छीन ली और अब ठेकेदार रिक्शा भी छीन लेगा, तो वक्त भात के लिए भी लाले पड़ जाएंगे बाबूजी। निराश होने की कोई वजह नहीं, इसमें मैंने सब दवाई इलाज लिख दिया है और मालिक के लिए सर्टिफिकेट भी। ये लो और हर रोज पाव सिर दूध जरूर पीना और एक कच्चा अंडा। दूध और अंडा मैं कहां से लाऊं बाबूजी? ठेकेदार जो भी देता है उससे 2 समय का भात भी मिल जाए तो बहुत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, मगर हमारी किस्मत नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी। नहीं रघु, तुम्हारी किस्मत बदलेगी और जरूर बदलेगी। चलो मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ा हूं। अपना ख्याल रखना और जैसा कहा वैसे ही करना। जी हो। चलता हूं बाबूजी। आराम से जा। दो रुपए देता है? अबे साला 5 रुपए तो घर का किराया है, कल तक पैसे दे देना वरना चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा, समझा? मेरा नाम रमना राव है, रमना राव। और रघु किधर है? 7 दिनों से साला दिखता नहीं है। क्यों बे रघु, कहां था इतने दिन? रिक्शे की हालत क्या बना रखी? इसको ठीक कौन करेगा, तेरा बाप? रिक्शा का एक्सीडेंट हो गया था माई बाप, अगला पहिया टूट गया, मेरी पसली पसलियां टूट गई, मैं बेहोश पड़ गया, तो लोगों ने उठा के मुझे अस्पताल में डाल दिया। बहाना बनाना कोई तुच्छ से, ताड़ी पीकर रिक्शा कहीं टकरा दी हो। 7 दिनों तक ताड़ी पीकर ताड़ी खाने में पड़ा रहा और अब अस्पताल का बहाना बना रहा है? नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूं, ये डॉक्टर ने सर्टिफिकेट भी दिया। मोहम्मद सलीम क्या कहता है मुसल्ला डॉक्टर? रिक्शा ड्राइवर रघु 7 दिन हमारे अस्पताल में था, इससे सख्त चोट लगी थी, खून भी बहुत बहा था, इससे टीबी है, इसीलिए इसे हल्का काम दिया जाए और 1 गिलास दूध और 1 अंडा रोज मिलना चाहिए। मोहम्मद सलीम, क्यों बे हरामजादे, ये सब क्या लिखा लाया उस मुसल्ले डॉक्टर? तुझे मैं रोज 1 गिलास दूध और 1 चिकन सूप पीने को दूं, और ये जो रिक्शा तूने तोड़ डाली इसका पैसा कौन देगा?
तू या तेरा हरामजादा डॉक्टर। ए बाबू गाली मत देना। जवाब देना भी आ गया, मार नहीं पड़ी ना अभी तक। जवाब दे। क्यों बे? चलो चल लगा उठा, ये और खानी है मार। सच है कि तेरा इलाज एक मुसलमान डॉक्टर ने किया? इलाज ही नहीं, उसने अपना खून देके मेरी जान बचाई। तब तो तेरी रगों में भी मुसलमान का खून हो गया। क्यों? उसका खून उतना ही लाल था जितना मेरा। तूने अंगूठा क्यों लगाया? अब तो तू हमारी तरह ठेकेदार के पास फंस गया। अब मैं क्या करूं? तू भाग जा रघु, तू भाग जा। भाग जा रघु, भाग जा रघु, भाग जा रघु, भाग जा, भाग जा यहां से। ए, ये कोई सोने की जगह है? रघु साहब। रघु तुम? ठेकेदार साहब के यहां से भागना पड़ा। क्यों, क्या हुआ? पहले तो मालिक ने बहुत मारा, मारने के बाद जबरदस्ती अंगूठा पेपर पर लगवा दिया। मेरे दोस्तों ने कहा रघु भाग जा, भाग जा, सो मैं भाग आया। बहुत अच्छा किया। कुछ खाया पिया है? बस जान बचा के आ गया। कोई परवाह नहीं, चल आओ रघु, आओ बैठो। बैठो भाई बैठो, मेरा नाश्ता आता ही होगा। ये लो खाओ। ठीक खाओ। जी मैं आपके साथ खा नहीं सकता। क्यों नहीं खा सकते? क्या मैं अछूत हूं? जी जी नहीं, अछूत तो मैं हूं। क्या पुराने जमाने की बातें लेकर बैठे हो? यहां कोई ना छूत है ना अछूत, मेरा और तुम्हारा खून तो एक ही है। अगर तुम अछूत हो तो मैं भी अछूत हूं। ये लो खाओ खाओ। ये छूत अछूत तुम्हें किसने सिखा दिया? एक चाय वाले दुकानदार ने। उसके यहां एक लोहे का ग्लास है, जंजीर से बंधा हुआ। अछूतों को वो चाय उसी ग्लास में पिलाता है कुत्तों की तरह। उसका पता बता दो, उसका इंतजाम हो जाएगा। क्या है सेठ साहब, ये सब क्या हुआ? नजर नहीं आ रहे हैं तुझे? पूछे है कि क्या हुआ? अरे नक्सलवादियों ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, मेरा मुंह तोड़ के रख दिया और मेरी जिंदगी भर की पूंजी बर्बाद करके रख दी। देखो तुम भी देखो, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, तुम्हारी भी बर्बाद कर देंगे। ये नक्सलवादी कौन? नक्सलवादी वो है जो जुल्म को बर्दाश्त नहीं करते, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। क्या मैं भी मिल सकता हूँ इनसे? जरूर, आज रात को चलो। चलिए। सलमा, यह है मेरा दोस्त और साथी रघु, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था। जैसे दूध भाई होता है ना, ऐसे ही ये मेरा खून भाई है। सलाम रघु भाई। आदाब। सलमा तू रघु के साथ बैठ के बातें करो और खाने का इंतजाम करो, मैं नहाकर और कपड़े बदल के आता हूं। आओ मैं तुम्हें उनका कमरा दिखाऊं। डॉक्टर साहब ने क्या ये सब किताबें पढ़ी हैं? हाँ तकरीबन सारी किताबें पढ़ ली। क्यों, ताज्जुब की बात है क्या? नहीं, मैंने तो अब तक एक भी किताब नहीं पढ़ी। तुम पढ़ना सीख लो तो ये सब किताबें पढ़ सकते हो, किताबें कहीं चली नहीं जाएंगी। आहा भाई मुझे तो बड़ी भूख लगी है। रघु तुम्हें भी भूख लगी होगी, आओ बैठो। जी मैं। अरे बैठो भाई बैठो, लाइए। आहा
है डॉक्टर साहब, आप तो मुसलमान है ना? मैंने तो सुना है ऊंचे घराने के मुसलमान नीच जात वालों के साथ खाना नहीं खाते। नीच जात कौन है? रिक्शा चलाने वाले। मैं रिक्शा चलाता हूँ ना। इसमें क्या हुआ? मेरे मरहूम बाबा भी रिक्शा चलाते थे। मगर आपके बाबा के पास तो अपनी रिक्शा होगी, उन्हें कभी ठेकेदार के हंटर नहीं पड़े होंगे जैसे मेरी कमर पे पड़े हैं। तुम्हारी कमर पर हंटर पड़े थे मगर मेरे बाबा के सर पर लाठी पड़ी थी। डॉक्टर साहब, मगर आपका ये घर, मैंने तो अपना पूरा जीवन एक गंदी झोपड़ी में बिताया है। तुम्हारा घर तो था मगर हमने तो एक बरस बंबई के फुटपाथ से गुजारा था। तुम किन मुसलमानों की बात कर रहे हो भाई? थे एक मुसलमान जागीरदार साहब जो एक दिन हमारे गांव में आए थे अपनी बग्घी में बैठ के। रामजादे, सलाम करना भूल गए? बच्चे का ज्यादा ख्याल, जागीरदार का नहीं। रामजादे, लगता है तू भी तेलंगाना बागियों में मिल गया। फिर तुम्हारे बाबा का क्या हुआ? उस वक्त तो मैं बहुत छोटा था मगर सुना है तेलंगाना आंदोलन जब शुरू हुआ तो वो उन छापामारों के साथ मिल गए, पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें भी औरों के साथ फांसी दे दी। मगर पकड़े जाने से पहले उन्होंने अपनी बंदूक अपने घर में छिपा दी थी। और तुम्हारी माँ का क्या हुआ? माँ अभी तक जिंदा है, जमीन बिक गई मगर अभी तक उसने वो बंदूक संभाल के रखी है। देखा तुमने तेलंगाना की औरत का कैरेक्टर? तो वक्त आ गया है रघु कि तुम वो बंदूक हाथ में लेकर मैदान में आ जाओ। तेलंगाना आंदोलन फिर शुरू हो रहा है? ये तेलंगाना आंदोलन नहीं है मगर उसी का भाई या बेटा है। लाल सलाम कॉमरेड सलीम। लाल सलाम कॉमरेड, ये है रघु, तेलंगाना के शहीद का बेटा, इसी के बारे में मैंने टेलीफोन किया था। रघु, ये है कॉमरेड नूर मोहम्मद, कलकत्ते से आए हैं। लाल सलाम। ये है कॉमरेड बाबू। लाल सलाम। यह है कॉमरेड रेड्डी। लाल सलाम। रेड्डी? रेड्डी तो हमारे गांव का नया जमींदार है। नाम में क्या धरा है रघु, तुम्हारे पुराने जागीरदार का नाम था ऐश जंग और नए जमींदार का नाम है रेड्डी, मगर दोनों का काम तो एक ही है। इसी तरह एक बाबू गुंडा या बदमाश हो सकता है और दूसरा बाबू हमारा कॉमरेड। यह है नूर मोहम्मद, हमारा कॉमरेड, इसी नाम का जमींदार का आदमी भी हो सकता है। इसीलिए हमारा कहना यह है रघु कि लोगों के नाम को नहीं लोगों के काम को देखो। ये वही लोग हैं जिन्होंने इस होटल की वो दुर्गत बनाई जो तुमने देखी। अब उसकी कभी हिम्मत नहीं होगी कि वो ऐसा कर सके। आपका बहुत धन्यवाद साथियों, आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया। ये कष्ट नहीं था रघु, ऐसा करने में हमें बड़ा आनंद मिलता है। हमें साबित करना था कि तुम हम पर भरोसा कर सकते हो, यानी कि अब तुम हम में से एक हो। इन लोगों के साथ अपने गांव जाओगे अपनी बंदूक लेने। बस भैया यहीं रोक दो, धन्यवाद। अब मेरा घर वहां है, आइए। अरे लघु। पाए लघु ना। जीते रहो बेटा, कब अच्छा तो है, दुबला बहुत हो गया। क्या रिक्शा ठेकेदार काफी भात खाने को नहीं देता? खाने को तो बहुत कुछ देता था अम्मा, मेरे साथियों से तो मिलो। जीते रहो बेटा, जीते रहो। तुम्हारी बहू कहाँ है अम्मा? लक्ष्मी, तुम आ गए, बहुत दिन लगा है। आया भी हूँ और जा भी रहा हूँ, मेरे तीनों साथी खाना खाएंगे। तो तुम लोग मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। इतना अच्छा खाना तो बड़ी मुद्दत के बाद खाया, अब पेट भर के खा ले। हाँ। मालूम नहीं फिर कभी खाना मिले या ना मिले। हाँ।
मुझे अब बाबा की बंदूक चाहिए। क्या रिक्शा चलाना छोड़ दिया? मुझे अब अम्मा बंदूक चलानी है बाबा की तरह। क्या तेलंगाना आंदोलन फिर आरंभ हो गया? जो शुरू हुआ है वो भी उसी का भाई या बेटा है। ये लो, भगवान तुम्हारी सहायता करे। ठहरो, साले इतने दिनों तक कहाँ था? साला इतनी रात गए आने का मतलब? मतलब अभी मालूम पड़ जाएगा सेठ। रेड्डी, घबराने की कोई बात नहीं सेठ, बंदूक भरी है मगर जब तक मैं यह घोड़ा नहीं दबाऊंगा गोली नहीं चलेगी। तुम चाहते क्या हो? बस एक कागज जिस पर जबरदस्ती तुमने मेरा अंगूठा लगवाया था। जल्दी करो सेठ, मेरी उंगलियों में खुजली हो रही है, घोड़ा दब गया तो हत्या हो जाएगी। देता हूँ बाबा, देता हूँ। इतनी सी बात ही तो पहले क्यों नहीं बताया? जरा देखना तो क्या ये वही कागज है? मुझे इस पे कोई विश्वास नहीं। हाँ ठीक है, अब तो तसल्ली हो गई ना, अब तो बंदूक नीचे कर दो। जब बंदूक उठाई ली है तो ये नीचे नहीं होगी। अब मुझे वो सब कागज चाहिए सेठ जिस पे दूसरे रिक्शा वालों के अंगूठे तुमने लगवाए थे। जल्दी करो सेठ वरना गोली चल जाएगी। ले लो सब, ले लो। ये लो दोस्तों, चला दो इसे। क्या बोलूं, ये सब क्या हो रहा है? वो नवा ठेकेदार है ना, उसका स्वागत हो रहा है। तो ठेकेदार है कहाँ? वो बैठा है कुर्सी पे। अरे ये छोकरिया कौन है? सरकार वो रंभा है, शंकरा की बेटी, एक बूढ़ा आदिवासी जो दिन रात पीता रहता है। तो बुलाओ ना उसे अपने बंगले पर, हम उसे पूरी बोतल पिला देंगे। अरे छोड़ो ना इस तीर कमान के खेल को, हम तो उसे अर्जुन मानेंगे जो इस पपीते में तीर से सुराख कर दे। नमस्कार ठेकेदार साहब, ये काम भी हो जाएगा लेकिन ये पपीता
आपके सर पे रहेगा। तीर को हाथ मत लगाना, क्षमा करना ठेकेदार साहब, अगर आप डर गए तो ये पपीता मैं ले जा रहा हूं। हाँ ले दो ले दो ले जाओ। लड़की का हाथ पकड़ने क्या मतलब है? जानता हूँ, इसका मतलब ये। मैं समझी थी तुमसे गिरते पेड़ से बचा रहा था। वो बात भी थी, लेकिन अगर पेड़ तेरे पे गिर जाता तो? तो क्या बुरा होता, हम दोनों एक साथ। अच्छा तो ये बात है। तेरे साथ तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, फिर अगले जन्म में भी तेरा हाथ ना छोड़ूंगी। अरे मैं तो इस जन्म की बात कर रहा हूँ। पता चलेगी आज गौतम? हाँ चल हट। अरे छुकरिया क्या कर रही है? अरे मैं ये पेड़ के पत्ते तोड़ रही हूँ जो अभी अभी मेरे मर्द ने गिराया है, ये मेरा अधिकार है। ये अर्जुन तेरा मर्द है? हाँ है। अर्जुन क्या ये तेरी औरत है? हाँ है। चल। अजीब बात है, इसका बाप तो कहता है ये अभी तक कुंवारी है। खैर शाम को देख लेंगे। चल भाई शंकरा, ठेकेदार साहब कब से इंतजार कर रहे हैं। बोतल लिए हुए। बोतल लिए हुए? अरे वाह वाह, बड़े दयालु है हमारे ठेकेदार साहब। मगर तुम वापस कैसे लौटोगे? क्यों? रात का वक्त होगा और पूरी बोतल तुम्हारे अंदर होगी। हाँ हाँ। जंगल में कहीं गिर गिरा पड़े तो? हाँ ये बात ठीक है। अच्छा होगा बेटे को साथ ले लो। दे? हाँ भाई बेटा। रंबा बेटी रंबा। हाँ बाबा, मैं सिंगार कर रही हूँ। चल मेरे साथ ठेकेदार साहब के बंगले तक। अरे मुझे बुलाया उन्होंने? तुम्हें बुलाया है, मैं क्या करूँगी वहाँ? तू मुझे रात को जंगल में से लाएगी। पर बाबा मैं गोटुल जा रही हूँ अर्जुन के साथ। भाई मुझे क्या मालूम ये तू गोटुल जाना शुरू कर दिया? अभी शुरू नहीं किया बाबा, आज पहली बार जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, पहले अपने बाप के साथ चल, फिर किसी के साथ गोटुल वोटुल जाना बस। अरे और ये तो सुन, कहाँ जा रहा तेरा बाप? ठेकेदार घनश्याम सिंह के बंगले पर। मैं तुम्हारे ठेकेदार साहब की परवाह नहीं करती, मैं जा रही हूँ तो अपने बाबा के लिए। अरे ओ तानी रे, क्या है रंभा? अर्जुन आए तो उसे बोल मैं अपने बाबा के साथ ठेकेदार के बंगले पर जा रही हूँ, एक घंटे में लौट आऊंगी। उसे बोल मेरा रास्ता देखे। अरे अर्जुन तूने तो कमाल कर दिया रे, ठेकेदार को तो पसीना आ गया। तूने तीर आर पार कर दिया रे, रंभा की आंखों से बच के रहना, उसकी भी आंखें तीर की तरह है। अरे तू उसकी फिक्र मत कर, अभी उसे लेकर आता हूं मैं। रंभा रंभा ए रंभा। रंभा अपने बाबा के साथ ठेकेदार के बंगले पर गई है।
जब वो लौटेगी तो कुंवारी नहीं रहेगी, लेकिन मैं तो अभी कुंवारी हूँ। मुझे अपने साथ ले चलो ना घोटुल। अरे चल ना, अब छोड़ ये नखरा, मैं तुझे खा नहीं जाऊंगा, मैं तो भाग नहीं। मेरा अर्जुन आ जाएगा, तुझे मार डालेगा। अरे बुलाना अपने अर्जुन को, उसे भी देख लूंगा। खा जाओ मच्छर से, हाथ उठाता है। अब नरम पट्टी होगी, अब काम की बात करें। काम? हाँ। क्या काम? प्यार का काम, आओ बताता हूं। कोठरी में तुम्हें भेज रहा हूँ, उसमें बहुत ही खतरनाक डाकू है, नक्सलवादी, उससे जरा संभल के रहना। आप बेफिक्र हो माय बाप, अर्जुन आदिवासी किसी वादी से नहीं डरता। अब तुम्हें हमका मारन खातिर भेजा गया है। हमको तो कहा है कि तुम बहुत खतरनाक आदमी हो। कौन हो तुम? डाकू? हाँ, डाकू ही कहा था हमें। हम एक नक्सलवादी डाकू हैं। नक्सलवादी डाकू? वो क्या होता है? नक्सलवादी डाकू गरीबन और खेत मजदूरन का साथ देता है, वो उनके हक की खातिर लड़ता है और उन्हें भी लड़ना सिखाता है। वो सारे गरीबन को एक होना सिखाता है ताकि उन पर कोई अत्याचार ऐसा अत्याचार मार रहे हो वो लोग तुमका भी मार। अरे ओ, तो मेरे को लूटता है, मारता है। अबे क्यों नहीं है, बोलती बंद हो गई। आपका सांस तो नहीं थम रही है, अब हम जी ना हम का मर जाने तो आप चले गए तो एक कौन करेगा, अत्याचार कौन मिटाएगा? अब ये सब तुम कर। Oh!
जिसने हमारी रंभा की इज्जत पर हाथ उठाया था वो हमारी औरत है। लेकिन रंभा से तुम्हारी शादी तो नहीं हुई। योर ऑनर, मेरे हाथ में रंभा के बाप का बयान है जिसमें कहा गया है कि रंभा और अर्जुन की शादी कभी नहीं हुई। हुजूर, मैंने रंभा से शादी की उसके बाप के साथ नहीं। ऑर्डर, 2 साल कैद बामशक्कत। यह है सांबा की समाधि। मैं उसका काम जरूर पूरा करूंगा। मेरी औरत कहाँ है? वो मर गई। झूठ बोलता है। नहीं बेटा, कुएं में छलन लगाकर। तू झूठ बोलता है। वो अपनी जान दे दी। तू झूठ बोलता है शराबी बुड्ढे। तूने अपने शराब के खातिर उसे ठेकेदार के पास जरूर भेज दिया होगा। नहीं बेटा, तू विश्वास कर, जिस दिन से मेरी बेटी मरी है उस दिन से मैंने तारू को हाथ नहीं लगाया। बेटा, तुझे जेल भेजकर उस ठेकेदार ने बड़े जुलम डाए हम पर। बेटा, बड़े जुलम डाए हम पर। अर्जुन, रंभा कहाँ? जिस दिन से तुम गए उस भेड़िए की नजर रंभा पर लगी हुई थी। 1 साल तक वो उससे बचती रही, लेकिन एक दिन वो जंगल में से जा रही थी कि वो भेड़िया उसे उठा कर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। पर उसने अपनी जान दे दी, लेकिन एक दिश में छोड़ कर गई है। ये रहा तुम्हारा और रंभा का बच्चा। मैं अब इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। थोड़ी देर से और पास ठेकेदार, मेरी रंभा कहाँ है? मुझे क्या मालूम, सुना है उसने आत्महत्या कर ली। और क्या करती एक शरमदार छोकरी। तूने उसके साथ अपना मुंह काला किया है और उसने अपनी जान दे दी। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। लेकिन वो मैं तानो, मेरा बच्चा मुझे दे दो। अब मैं उसे ले जाने के काबिल हो गया हूं। मैंने इसके मां के हत्यारे की हत्या कर दी। हाँ, ता चल बेटे। अर्जुन, मत जाओ, यहीं रह जाओ ना। नहीं तानो, अब मैं एक फरारी मुजरिम हूं। तो फिर मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हारी दूसरी रंभा हो जाऊंगी। तुम जहां जाओगे मैं वहीं जाऊंगी। जो करोगे वही करूंगी। तुम्हारी खाना बनाऊंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी, इस बच्चे की देखभाल करूंगी। नहीं तानो, आपके रंभा चलेगी, मैं अकेला ही चलूंगा।
हजूर, नीचे आपके आदिवासी किसान आए हुए हैं और कहते हैं कि हम 2 रुपए रोज पर फसल नहीं काटेंगे, हम 4 रुपए रोज लेंगे जो सरकार ने मजदूरी तय की है। वो सरकार को हमसे ज्यादा जानते हैं क्या? उनसे कह दो अगर वो काम नहीं करेंगे तो हम बाहर से मजदूर बुलवा लेंगे। मगर हजूर, उनका कहना है कि फसल काटने का अधिकार सिर्फ हमारा है, हम किसी और को फसल नहीं काटेंगे। उनकी मजाल, उनका जो धमकियों का कोई असर नहीं। जी सरकार। ठहरो, हम उनसे खुद बात करेंगे। सरकार नीचे मत जाइए, वो लोग बहुत गुस्से में हैं और तीर कमान लिए हुए हैं। हम उनके गुस्से से नहीं डरते और ना ही हमारी बंदूक डरती है। इसकी दोनों नालियां भरी हुई। क्या सुन रहा हूं मैं? तो कटाई करना तुम्हारा अधिकार है और तुम कटाई नहीं करोगे जब तक तुम्हें 4 रुपया रोज नहीं मिलेगा जो सरकार ने तय किया है। साफ सुन किया है सबको, क्या मर गए सब लोग? पढ़ो इसमें क्या लिखा है। 4 रुपये रोज नहीं तो काम नहीं करेंगे और ना ही किसी और को करने देंगे। दस्तखत है अर्जुन आदिवासी। निकल जाओ यहां से। बिरजू। जी सरकार। फौरन अपने आदमी कालनगरी भेजो, वहां से मजदूर मंगा लो, वहां सूखा पड़ रहा है, वो 2 रुपए रोज में काम कर लेंगे। बहुत अच्छा सरकार। नगरी वालों ने नहीं मानी तो उनका स्वागत तीरों के साथ करेंगे। सबसे पहले तीर मैं चलाऊंगा। ले लो भाई राखी बंधवा लो। मगर आज तो रक्षाबंधन का दिन नहीं है। हमारे लिए तो आज ही रक्षाबंधन का दिन है। राखी बंधवा लो और हम सब बहनों की रक्षा करो। पर हमें तो बताया गया कि तुम लोग फैक्ट्री में काम करने शहर चले गए हो, नहीं तो इतनी दूर की गाँव से कटाई करने वालों की क्या जरूरत थी? हमारे सब मर्द यही है वहाँ उस तरफ, तुम अभी उनसे मिलोगे और जलपान भी उन्हीं के साथ ही करोगे। छोड़ो मैं बात हूँ माता ना। अरे हट परे, रक्षाबंधन में बाधा डालता है। लो बहन राखी बांधो। बार बिदाई दे माँ गुरे आशी, एक बार बिदाई दे माँ गुरे आशी, हाशी हाशी और मफाशी देख दे जो गुत भाशी, हाशी हाशी और मफाशी देख दे जो गुत भाशी, एक बार बिदाई दे माँ गुरे आशी, एक बार बिदाई दे माँ गुरे आशी। ओ तुम किस फौलाद का बने बहन? तुमको कल पासी लगने वाला है और तुम आज गाने गाते हैं। वो आंखों को तो तुम्हें बाद पासी मिलने वाला है, हमारा नंबर तुम्हारे बाद आएगा। लेकिन हम तो 100 दफा मर चुके हैं, 100 दफा। कल मेरे मौत का नहीं, विदाई का दिन है। माँ से कह रही थी मुझे हंसी की दूल्हा के घर भेज दे। दूल्हा का घर? हाँ। तुम्हारे दूल्हा कौन है बहन? इनकलाब। इनकलाब? ओ इनकलाब, इनकलाब तो बहुत मशहूर आदमी है, हम तो बहुत नाम सुना उसका, जर जाता है इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।
लेकिन मैं इनकलाब खान काम क्या करता है? बड़ा काम करता है, बादशाह को तख्त से उतारकर तख्ते पर पहुंचाता है और गरीबों के सर पर रखता है। वो आता है तो सदियों के फर्क आन के आन में मिट जाते हैं, धर्म और मजहब के फसाद खत्म हो जाते हैं, जात पात अमीरी का खात्मा हो जाता है, कारखाने काम करने वाले खुद चलाते हैं और खेतों से जमींदारों को बेदखल कर दिया जाता है। जो धरती को अपना खून पिलाता है वही धरती का मालिक होता है। और साहूकार लोग इनकलाब आता है तो हर आदमी को साहूकार बना देता है। उसके राज में न कोई लूटने वाला होता है और न लूटने वाला, सबके सब मालिक होते हैं। कोई इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन नहीं है, हर इंसान दूसरे का भाई है। आप कुछ समझे भाई साहब? भाई साहब, तुम जैसा खूनी लुटेरा आदमी को भाई साहब बोला बेन? दुनिया की हर माँ सिर्फ इंसान को जन्म देती है। हमारा अंधा समाज उस इंसान को हिंदू मुसलमान ब्राह्मण और अछूत अमीर और गरीब में बांटता है, वहीं उसे लुटेरा बनाता है, दिल बनाता है। तुम्हारा इनकलाब का माँ बाप कौन है? भूख इनकलाब की माँ है, दौलत का बेइंसाफ पटवा उसका बाप है। और ये इनकलाब खान से मिलने का एक ही तरीका है क्या? पासी जिंदा उससे मुलाकात नहीं हो सकता है? हो सकती है। तो फिर एक काम करो, तुम आज इस कार कोठरी से हमारे साथ भाग जाओ। हमने इन सलाखों को तोड़ने का और दीवार को पाड़ने का पूरा इंतजाम कर रखा है, तुम चलो हमारे साथ बहन। आप भाग सकते हैं भाई साहब, लेकिन मैं नक्सलवादी हूं, मुझे मरना मंजूर है, भागना मंजूर नहीं। इनकलाब के झंडे लाल रंग से नहीं, शहीदों के सुर्ख खून से रंगे जाते हैं। बहन, अगर बाहर का कोई काम है तो आम को बताओ, आम करेगा। काम तो है भाई साहब, मगर मेरा नहीं, इनकलाब का है। तुम्हारा दूल्हा का? कसम पाक परवरदिगार का बहन, हैबत खान अपना जान पर भी खेल कर इनकलाब खान का हर काम करेगा, हर काम करेगा। तनहा
देख लो अपना वादा निभाने चले। कॉमरेड साथियों, हर प्रांत हर सुबह हर प्रदेश के साथियों सबको लाल सलाम। हमारी अंग्रेज साथी केटी मिलर को भी लाल सलाम। हाउ आर आवर कॉमरेड्स इन जेल केटी? दे ऑल वेरी वेल, फुल ऑफ स्पिरिट्स एंड रेवोल्यूशनरी फायर। जस्ट व्हाट इज बीइंग डन टू देम? हिंदी में बोलो ताकि सब लोग समझ जाए। क्या कहते हैं वो लोग? वो कहते हैं लड़ाई चलती रहे। शाबाश शाबाश केटी। तुम नहीं हो, तुम एक निशान हो इनकलाब के। तुम एक मशाल हो जो तेल से नहीं नौजवानों के गरम लहू से जलाई गई है। आज पहली बार अंधेरे से बाहर आए हैं। मैं तुम लोगों के सामने इसलिए खड़ा हूं कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, मगर हो सकता है तुम में से किसी को मुझसे कुछ कहना हो, इसलिए मैं पहली बार तुम्हें मौका देता हूं। तुम्हें लाल सलाम अलैकुम कॉमरेड दादा, लाल सलाम अलैकुम साथियों। तुम लोग हमको नहीं जानते, दरअसल कुछ दिन पहले हम खुद को भी नहीं जानता था। गुंडा और खून के नाम से जानता था। हम
हम एक कार कोठरी में इंतजार करता था। उस वक्त बहादुर खातून से हमको इनकलाब करना बदल गया। उस खातून ने हमको नया जिंदगी दिया, इनकलाब पैगाम दिया। जब उसको पता था तो उसने अपना खून में लिखा हमको एक पैगाम दिया, ये हम तब जीता। उसने कहा था ये पैगाम हमारा लीडर कॉमरेड को दे देना कि वो हमारा सब साथियों को पढ़ के सुना दे। सकते हो, ये है वो पैगाम जो हमारी बहादुर साथी ने अपने लहू से लिखकर तुम्हें भेजा है। ताम्रेड जीता, ताम्रेड जीता। मैं अपने बहादुर दोस्त खान कॉमरेड का शुक्रिया अदा करता हूं, जान पर खेलकर ये पैगाम इसे मैं आप लोगों को सुनवाना चाहता हूं। कमला सेन, इसे पढ़कर सुनाओ। कॉमरेड दादा और साथियों, चंद मिनट में मैं फांसी चढ़ जाऊंगी, इसलिए मेरा यकीन करना। इस वक्त मैं मौत की दहलीज पर खड़ी हुई हूं, इसको गौर से सुनना। ये मेरे जीवन की अंतिम वाणी है, मगर ये मौत का नहीं जिंदगी का पैगाम है। तुमने मुझसे कहा गोली चलाओ, मैंने चलाई गोली, उस पे चलाई जिसे मैं प्रेम करती थी, जो निर्दोष था। मैं उस खून की कीमत अपनी जान से अदा कर रही हूं। मेरी मौत सामने खड़ी, मगर मेरी हिम्मत अब तक नहीं टूटी। लेकिन एक शक मेरे दिल में पैदा हो गया है, जो रास्ता हमने चुना था वो ठीक था या नहीं। जो मैं इस वक्त सोच रही हूं, मैं चाहती हूं मेरी बात तुम भी सोचो। हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या इंकलाब का यही एक रास्ता है? जब ये पैगाम तुम तक पहुंचेगा, मैं दुनिया में नहीं हूंगी। जो बात मैं अपनी जिंदगी में भी न कह सकी, आज बात मुझसे कहलवा रही है। अच्छा, अब भी हूं सबको ला। कॉमरेड दादा, क्या कैसे मैं कहना चाहूं कि जो कुछ कॉमरेड अजीता ने लिखा है मैं उससे सहमत हूं। ये पठान आपका रास्ता बताया, उसने माफीनामा लिखकर जान का भीख नहीं मांगा, बल्कि मौत से बगल गिर होकर हमको जीने का अंदाज सिखा। तो हम उसको बोलते बोलता है, मेरा प्रस्ताव है कॉमरेड अजीता के संदेश पर सोच विचार किया जाए। मैं भी यही सच्चे हैं, लेकिन जिस रास्ते हम चल रहे हैं वो रास्ता गलत है। अरे कृष्ण मंदिर है बड़ा कोई। खून करने के बजाय हमें गरीब और मजदूर और किसानों का संगठन करना चाहिए, यही इनकलाब का मार्ग है। दहशत पसंदी आतंकवाद इनकलाब ला नहीं सकते, इनकलाब में देर कर सकते हैं। कॉमरेड, आम लोग हमें खूनी और डाकू समझते हैं, हमें ये कलम गुना होगा, हमें अपना प्रोग्राम और अपना तरीका बदलना होगा। हम खूनी लुटे डाकू नहीं है, हम इनकलाबी हैं, या मरेंगे या मारेंगे, यही हमारा नारा है। बहुत मुद्दत से हम दूसरे मुल्कों की तरफ देखते आए हैं, दूसरे मुल्कों के नेताओं को पूछते आए हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए, हमें अपना नेता खुद पैदा करना चाहिए। ना हम अहिंसावादी हैं, ना आतंकवादी, हम केवल नक्सलवादी हैं। कृष्णा, नक कॉमरेड लड़की पागल हो चुकी है, ये अपने भाई के बारे में पूछ रही है, इसे पता ही नहीं है पुलिस की गोली से कब का मारा जा चुका है। हिंदुस्तान के गरीब किसान एक मजदूर हमारा साथ देंगे अगर हम खुल्लम खुल्ला उनके सामने आए, उनके संघर्ष में उनका साथ दें। अगर हम खुल्लम खुल्ला इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो बूर्जुआ पार्टी का सफाया कर देंगे। अब हमको जमीन के अंदर छुप कर नहीं बैठना चाहिए, जमीन के बाहर आना चाहिए। साथियों, सुना तुमने, तुम्हारे सवालों का जवाब। पुलिस आ रही है कॉमरेड दादा, एक घंटे में यहाँ तक आ जाएगी। पुलिस आ रही है, कोई बात नहीं, हमारे शेर साथी
पहाड़ी की चोटी पर पहरा दे रहे हैं। एक घंटे तक तो पुलिस से मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा कीजिए, जो बूढ़े हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, बगैर हथियारों के हैं, वो जंगल के रास्ते से वापस चले जाएं। ये बचेंगे तो फिर मिलेंगे। लाल सलाम। और कॉमरेड दादा आप? मैं? मुझे कोई संदेह नहीं, मारेंगे या मरेंगे। तुम नहीं गए उनके साथ? तुम तो संदेश लाए थे। ये सोचने का वक्त है। वो सोचने का काम तुम्हारा है, हमारा नहीं है। आम तो सिर्फ इतना जानता है कि तुम इंकलाब के लिए मरने को जाते हैं और आम तुम्हारा साथ लेगा। कुलदीप आलोक मजुमदार, जियाउल इस्लाम जख्मी तो खत्म हो गए सब।